सी का फैसला आया, उसके बाद हमने देखा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, और उसके बाद बैंक्स जो थे वो पहले तो इनफैक्ट ट्रेड कर रहे थे तेजी में, उसके बाद से एक कंसोलिडेशन में चले गए, क्योंकि ग्लोबली फेड के जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, उनके इन्फ्लेशन रेट सिनेरियो है, वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। कल जब गवर्नर ने ये कहा कि अभी भी रूम लगता है, इंडिकेशन ही दिए उन्होंने, तो उसके बाद बैंक्स थोड़े से प्रेशर में आए और तब से लेकर अब तक कंसोलिडेशन में। आपने कैसे एनालाइज किया, क्या आपको लगता है कि आगे इन्फ्लेशन को लेकर हमें भी यहाँ पर आरबीआई को एक कड़ा रुख रखना पड़ेगा अभी कुछ समय? देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन का इशू इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया के इन्फ्लेशन फिगर्स ग्लोबल इन्फ्लेशन फिगर्स से कहीं बेहतर है। वो एक रेंज में है, अभी भी 2-6% का रेंज है, एमपीसी का मैंडेट है, और हम लोग 6% के अंदर आ गए हैं पिछले 1-2 महीने से। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। बाकी कंट्रीज में अगर आप देखिए, इन्फ्लेशन टारगेट 2% है, इन्फ्लेशन अभी भी 6-7% पे है, या कुछ कंट्रीज जैसे यूके में उससे भी ऊपर चल रहा है, तो उनको अलग तरीके से एक्ट करना है। हमारे यहाँ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग समझते नहीं है कि काफी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इम्प्लॉयमेंट को टारगेट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंडिया में एज इट इज मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा असर नहीं है। अनइम्प्लॉयमेंट इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का असर इंडिया में कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो स्पायरलिंग इन्फ्लेशन बचाने और एसेट बबल्स बचाने के लिए थोड़ा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कल का डिसीजन मेरे हिसाब से गलत था। आरबीआई को होल्ड करना चाहिए था और आगे जाके, और एज इट इज 4-2 का डिसीजन हुआ है, तो ऑलरेडी डिसेंशन है मॉनेटरी पॉलिसी में कमिटी में। मुझे लगता है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना मुश्किल रहेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम हो सकता है पीक रेट पे पहुंच गए। ठीक है संदीप, गुड आफ्टरनून। न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में, एट दिस पॉइंट भी 3 शेयर्स जो सबसे आगे हैं वो है पेटीएम, नायका, जोमाटो। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से आगे बढ़कर अब इन स्टॉक्स में एक कह सकते हैं कि कमबैक होता हुआ दिख रहा है। आपकी राय, क्या आपका कन्विक्शन न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर बनता है? टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मेरा भी क्लियर है कि अगर कोई स्टॉक लेने लायक है, वो हैं जिनके पास कुछ मोट है और जिनके बिजनेस मॉडल ऐसा है जो सस्टेनेबल है, तो उसमें जोमेटो और नायका ऐसे कंपनीज हैं जिनको मैं खरीद सकता हूँ, जिसको मैंने अभी खरीदा नहीं है। मतलब कुछ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के बेच दिया, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक नहीं खरीदा है। ये 197 कम्युनिकेशन या पॉलिसी बाजार, इन सब के बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, और मुझे लगता है कि इनमें अगर रैली आती है अच्छी खासी, तो इन्वेस्टर्स के लिए मौका है जो फंसे हुए हैं उनको एक्चुअली निकलना चाहिए।